इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की पोएम है, पोएम नंबर 1, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। इन दिस पोएम द पोएट सेज, वी कैन से द थीम ऑफ दिस पोएम, द पोएट सेज सच मूमेंट्स अकर इन द अप्स एंड डाउन इन मैन्स लाइफ। वन मैन टोटली लूज हिज होप, he became pessimist. The poet says man should never lose his heart, man should never lose his temper, man should never lose give up, rather he should face his failure manfully, and time will come when God will bless him with his success. This is a lesson यू शुड हीड, ये सबक जिस पर तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, मीन इस पोएम के अंदर वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा सबक जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए वो क्या है? ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैन शुड नेवर लूज हिज हर्ट, मैन शुड नेवर लूज हिज टेम्पर। इफ At first you do not succeed, अगर आप अपनी पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते, try again, फिर से कोशिश करें। Then your courage should appear, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी हिम्मत, आपका हौसला वो जाहिर होना शुरू हो जाएगा, जो struggle आप कर रहे हैं, जो कोशिश आप कर रहे हैं। For if you will preserve, अगर आप साबित कदम रहे, मीन कि अगर आप साबित कदम रहे, उस कोशिश को बार बार करते रहे, तो वो जो आपकी स्ट्रगल है, वो जो कोशिश है, वो आहिस्ता आहिस्ता जहर होना शुरू हो जाएगी। यू विल कंकर, तुम फतेहयाब हो जाओगे। एंड नेवर फियर, और मत डरो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। अब इस स्टैंजे के अंदर शायर हमें नसीहत कर रहा है, वो हमें एक रूल सिखा रहा है। द पोएट एडवाइस अस to learn the rule of trying again. He says, if at first you do not succeed, you will have to try again, again and again. You should never lose heart. You should never give up. Because the poet says, a failure is a good teacher. A person who preserves and keeps on trying again and again, a time will come when he became a courageous and God will bless him with his success. इस पोएम के अंदर, इस स्टैंजे के अंदर वो यही कह रहा है, वो हमें एक रूल सिखाने की कोशिश कर रहा है कि फिर से कोशिश करो, मत घबराओ, मत डरो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, एक कहानी का एक थीम है कि किंग ब्रूस और एक स्पाइडर की कहानी है। अगर मैं कहानी बयान करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। इन शॉर्ट यह है कि बादशाह कैद हो जाता है और कैद खाने के अंदर वो एक मकड़ी को देखता है कि मकड़ी उस दीवार पर चढ़ने की बारहा कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाती, नीचे गिर जाती है। एटलीस्ट एक टाइम आता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, जिससे बादशाह को एक हौसला मिलता है और बादशाह उसे इंस्पायर होता है और वो भी स्ट्रगल करता है। तो इस स्टैंजे के अंदर शायर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें ट्राई अगेन का रूल सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप पहली दफ़ा कामयाब नहीं होते तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह टाइम विल बी कम व्हेन यू विल सक्सेस। जी, स्टैंजा नंबर 2 के अंदर वो क्या कहता है कि वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, अगर एक या दो मरतबा आप फेल हो गए, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, आखिरकार आपने फतह पा ली, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। इफ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, दिस इज नॉट डिसग्रेस, तो ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम रेस न जीत सके, वट शुड यू डू इन डैट केस, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर, इस हालात के अंदर हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली इस स्टैंजे के अंदर शायर उस शख्स को हिम्मत और हौसला देने की कोशिश कर रहा है जो
एक या दो बार कोशिश करते हैं और फिर अपना टेंपर लूज कर बैठते हैं, वो कोशिश करने में बेइज्जती महसूस करते हैं, वो उनको हिम्मत देता है, वो कहता है कि आखिर तक अपनी कामयाबी जो है वो जारी रखें। ही एडवाइज अस टू कंटिन्यू द स्ट्रगल टिल वी अचीव सक्सेस। ही सेज अ पर्सन हु फेल एंड फील इंसल्ट एंड गिव अप द स्ट्रगल the poet encourages him and says that it does not make any difference if you fail once or twice. वो कहता है कि अगर किसी केस के अंदर आप या एक या दो मरतबा फेल हो गए हैं तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप अपनी कोशिश जारी रखें, क्योंकि जो शख्स कोशिश जारी रखता है ये उसके लिए बेइज्जती का मकाम नहीं है अगरचे वो फेल हो गया है। लेकिन जो शख्स फेल होने पर अपनी कोशिश को जारी नहीं रखता वो बेइज्जती महसूस करता है दोबारा कोशिश करने में, एक्चुअली वो फेल है। तो शायर इस स्टैंजे के अंदर उसको हौसला देता है और वो कहता है आखिर के अंदर कि Though we did not win the race, अगरचे हम किस रेस न जीत सके, हम अपनी मंजिल हासिल न कर सके, what should you do in that case? तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वो कहता है कि in that case, in the case of failure, we should not give up the struggle. We should keep on trying the struggle. Inshallah, inshallah, a time will come when God bless him with his success. स्टैंजा नंबर 3 या इसके जो लास्ट स्टैंजा है उसके अंदर शायर क्या कहता है कि इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर तुम्हें अपना काम मुश्किल लगे, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक्त तुम्हें इसका इनाम देगा, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, ऑल दैट अदर फोक कैन डू, अगर दूसरे लोग इसको कर सकते हैं, वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, फिर तुम इसको सब्र तहमुल के साथ क्यों नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ एक रूल को मद्देनजर रखो, कौन सा? ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। अब इस स्टैंजे के अंदर शायर हमें नसीहत कर रहा है कि अगर आपका टास्क मुश्किल है तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो आपको नाकामी के खौफ से या फेल होने के खौफ से उस काम को तर्क नहीं कर देना चाहिए। द पोएट गिव्स अस द लेसन इन द लास्ट स्टैंजा, द लेसन ऑफ करेज, द लेसन ऑफ पेशेंस। ही सेज ही इनकरेज अस एंड सेज इफ टास्क इज हार्ड वी शुड नॉट गिव अप Due to fear of failure, if other people can succeed, then we can also succeed. He says in the last line, he says, "Take try again as a rule. Take try again as a rule because it is a gateway to success." वो ये कह रहा है कि अगर दूसरे लोग इसको सब्र तहम्मुल से कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और बात भी वो कहना चाह रहा है इन हिडन वर्ड्स कि हमें किसी की कामयाबी से एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, या ये नहीं कहना चाहिए कि वो कर सकता है मुझसे तो ये नहीं होगा। नहीं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सब्र करना होगा, सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, या उस चीज़ को अचीव करने के लिए शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना होगा। हम लोग बाज़ औक़ात किसी चीज़ को हासिल करने के लिए शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं। अगर इस पूरी जो पोएम है ट्राई अगेन, उसका मैं आपको थीम दूँ एक वन लाइन के अंदर, तो द थीम ऑफ दिस पोएम इज़ यूनिवर्सल। द पोएट सेज When the world says give up, you should not give up. You should try something. You says I should try it one more. And अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो और कोशिश जारी रखो। तो ये आज का हमारा जो पोएम है ये कंप्लीट हो गई है, जिसका एक ही थीम है कि अगर कोशिश करो,
नाकाम होने के डर से, फेल होने के डर से अपनी कोशिश को तर्क मत करो, साबित कदम रहो, इंशाल्लाह टाइम विल कम, गॉड विल सक्सेस यू। अल्लाह हाफिज़।